मान लीजिए मैं एक लड़का हूँ और 40 साल का लड़का हूँ और किसी वजह से मैंने 40 की उम्र तक शादी नहीं करी, या मेरी कोई भी उम्र है 30 है 35 है, मैं तो जैसे एग्जांपल ले रही हूँ, क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे एक लड़की पसंद आई थी और वो लड़की मेरे घर वालों को नहीं पसंद थी। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? मॉरली आपको अपने पेरेंट्स का साथ देना चाहिए, ये नहीं कि आप उनको लात मार दें और ये नहीं कि वो आपको लात मार दें, लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, यानी कि अपनी लाइफ में गोल सेट्स किए हुए हैं, आपको पता है आप जहाँ भाग रहे हैं वहाँ क्यों भाग रहे हैं, यानी कि सपोज़ कीजिए मैंने इंजीनियरिंग करी है तो मुझे पता है मैंने इंजीनियरिंग क्यों करी है, सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं करी है, सिर्फ इसलिए नहीं करी है क्योंकि घर वालों ने बोला था, तब तो ठीक है, यानी कि गोल सेट है लाइफ में कि मुझे ऐसा ऐसा करना है सोसाइटी के लिए या कुछ योगदान देना है, यू नो, तब तो ठीक है। बट आप इमोशनल ब्लैकमेल में आ रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं, आपको लगता है मैं इकलौता बेटा हूँ, इकलौती बेटी हूँ, मेरे माँ बाप को कौन ध्यान देगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको घर में नौकरानी चाहिए बहू के रूप में, है ना? आप उसको भी मान सम्मान दर्जा देंगे, वो भी किसी की बेटी है, जैसे आपकी बेटी बेटी है, आपकी बहन बेटी है, तो ऐसे दूसरों की बेटियाँ भी तो बेटी है ना, दूसरों की बहनें भी तो बेटी है ना, सिर्फ बहू तो नहीं है, सिर्फ नौकरानी तो नहीं है कि हाँ भाई घर में चाय पानी कर दो। और क्योंकि आपकी लाइफ की पसंद आपके घर वालों की पसंद की नहीं है, तो आप उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके अपने माँ बाप की पसंद के तौर पे आप ढाल भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे आपकी आदतें 30 साल तक 40 साल तक पक जाती हैं, ऐसे दूसरे पर्सन की भी आदत पक गई है और ऐसे आपके माँ बाप की आदत भी पक गई है, तो ना तो माँ बाप चेंज होंगे, ना लड़की चेंज होगी, ना लड़का चेंज होगा, तो आप इस सिचुएशन में करें क्या? इस सिचुएशन में लड़के को, या लड़के के बजाय अगर लड़की भी होती है, तो ये है अपने माँ बाप को मनाएं, समझाएं, वो नहीं समझ सकते, वो नहीं समझ पा रहे कि आप इस योग्य हैं, इस काबिल है कि अपना जीवन साथी को खुद चूज़ करें। मतलब यूँ तो दोगलापन है कि आप बड़े हो गए और शादी के लायक हो गए, लेकिन इतनी अकल नहीं है कि अपना जीवन साथी नहीं चूज़ कर सकते, तो दिस इज़ वेरी सिली। दूसरा है कि आप उनको समझाएं, नहीं समझते हैं, ये दोगलापन उनका ख़त्म नहीं होता है, और यू हैव, इवन इफ यू डोंट हैव मनी बट यू हैव द गट्स टू बी इंडिपेंडेंट, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, आप उनसे अलग हो सकते हैं। अलग होने का मतलब देखिए ये नहीं है कि आपने उनको लात मारी या उन्होंने आपको लात मारी, इसका मतलब ये है कि डेली मनमुटाव होंगे, डेली लड़ाई झगड़ा होएगा, बहुत सारे बर्तन होते हैं तो वो बचते हैं एक ही यू नो टोकरे में, तो डेली बर्तन ना बजे तो बेटर है कि छत अलग कर ली जाए। छत अलग करने का मतलब दिल के रिश्ते अलग नहीं हुए, और एक छत के नीचे रहने से दिल के रिश्ते जुड़े भी नहीं रहते, तो आप अलग डिसीजन ले सकते हैं। इसमें लड़का कह सकता है कि नहीं, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता, मैं मॉरली ऑब्लिगेटेड हूँ, ऑब्लिगेशन है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग आ जाती है, यू नो इंडियन सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है। तो एक बार बताइए, आप घर नहीं छोड़ सकते हैं बट आप लड़की से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं घर छोड़ने के लिए, क्यों? क्योंकि उसको छोड़ना ही है। तो जो डिसीजन आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट है, वो डिसीजन उसके लिए भी तो उतना डिफ़िकल्ट है लड़की के लिए। तो एज अ मेल हमें समझना चाहिए दैट वी हैव टू, देखिए अपने, हमारे माँ बाप ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, तो अब हम भी अपनी ज़िंदगी थोड़ी जी लें। अपनी ज़िंदगी जीने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को कष्ट पहुँचाएं, तो हम यहाँ कष्ट नहीं पहुँचा रहे हैं, वी आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर आवर सेल्फ। और दोनों को बैलेंस करना है, माँ बाप को भी और बीवी को भी, तो इसका क्या तरीका? अगर आपके डेली घर में डेली झगड़ा हो रहा है तो बेटर है आप अलग हो जाएं, आप इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। भाई कब तक आप माँ बाप के सर पर चढ़ के रहोगे? आपको लग रहा है कि माँ बाप कमाऊँ है, यू नो घर का खर्चा भी उनसे निकल रहा है, अलग हूँगा तो चूल्हा चौका तक का खर्चा मुझे खुद करना पड़ेगा, एक सेफ्टी पिन तक मुझे नया खरीदना पड़ेगा, नया गैस, नया फ्रिज, नया पलंग आएगा, आप इन सारे खर्चे से बचना चाहते हो, हैं? या आप नकली का दिखावा करना चाहते हो कि देखो मैंने अपने माँ बाप को लात नहीं मारी और दिल में तो यू नो घर में डेली कलेश हो रहे हैं, या आप चाहते हो कि उल्टा हो, वो अपनी बहू को जला दें, या उनकी, या आपके आने वाली बीवी रो पड़े, या उल्टा आजकल तो लड़कियां भी बड़ी तेज होती है ना, वो बहू कल को घर में आग लगाना स्टार्ट कर दे। अगर सब अपने अपने जगह ठीक है तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं, यू नो, एंड टू बी नेगेटिव साइड कोई बहुत तेज सूर्पनखा भी निकल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटर है आप इंडिपेंडेंट बने।
अलग छत लेने का मतलब मैं फिर बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि रिश्ते अलग हो गए हैं. इट इज़ समटाइम्स यू हैव टू सी द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. अगर ऐसी जगह पे मैं इस लड़के का माँ बाप होती तो मैं ये कहती कि ठीक है, क्योंकि हमारी सोच मैच नहीं हो रही है, बेटर है कि हम अलग हो जाएं. मतलब माँ बाप को ही बेटे को उस ब्लैकमेलिंग से, उस इमोशनल ऑब्लिगेशन से मुक्त करना चाहिए. बट हमारे माँ बाप भी आजकल बड़े चालू और सेल्फिश होते हैं ना, उनको अपने बच्चे की खुशी नहीं दिखती, भलाई नहीं दिखती, उनको सिर्फ अपना सेल्फिशनेस दिखता है कि हाय मेरे बुढ़ापे में ये मेरे काम आएगा. ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम आ सकता है किसी के बुढ़ापे में. ऐसा नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती बांध के रखो जंजीरों में. जिसने आपके काम आना है वो तो वैसे भी काम आना है. आप किसी को आज़ाद छोड़ दो, उसको अगर बिगड़ना होगा तो वो बिगड़ जाएगा. गलत जिस संगति में होता है ना, बच्चे को आज़ाद छोड़ दो, अपने डिसीजंस गलत लेगा, सही लेगा और घूम फिर के वापस आ जाएगा अगर वो मॉरली जड़े मजबूत है. ना ड्रिंकिंग करेगा, ना स्मोकिंग करेगा, ना किसी गलत संगत में पड़ेगा, ना मर्डर करेगा, ना चोरी करेगा, ना झूठ बोलेगा. और अगर आप बांध के भी रखो, यू नो, चार दीवारी में भी रखो, तो आजकल तो इतना कुछ है, नेट है, फ़ोन है, उसको बुरी संगत में तो कहीं से भी पढ़ सकता है. ऑनलाइन गैम्बलिंग में पड़ जाएगा, घर की सारी चीज़ें बेच देगा, चोरी चिकारी करना स्टार्ट कर देगा, ड्रग की आदत पड़ जाएगी, लड़कीबाजी करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा जागरूक बने और समझें कि पुरानी परंपराएं ठीक हैं, पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज कुछ हद तक ठीक थे, उस ज़माने के हिसाब से ठीक थे, अब ज़माना चेंज हो गया है. और न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, जनरेशन गैप है, नेट है. आजकल लड़कियां भी घर से बाहर निकल के पढ़ती हैं, वो समझती हैं कि अगर हमारे भाई या मेल पर्सन, चाहे वो फादर है, भाई है या हस्बैंड है, अगर डेथ हो जाती है तो उनको खुद कमाना आना चाहिए. अब क्योंकि अगर कल को मान लो वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो क्या कर सकती है, वो भीख मांग सकती है, वो छोटा मोटा काम कर सकती है, रिसेप्शन पे बैठ सकती है, फॉर गॉड फॉरबिड्स प्रोस्टिट्यूशन में जा सकती है. अब वो प्रोस्टिट्यूशन में जाएगी तो फिर आप जज करते हो कि देखो ये तो ये काम कर रही है, लेकिन गलत वो बेचारी तो है ही नहीं, वो तो बिजनेस कर रही है, जिसके पास जो है वो वही तो बेचेगा. अगर मैं टूथपेस्ट की दुकान है मेरी तो मैं टूथपेस्ट तो बेचूंगी, अगर मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो इंजीनियरिंग पे तो काम करूंगी, अगर मैं एक एनजीओ हूँ जहाँ मैं जानवरों की सेवा करती हूँ तो मैं जानवरों की सेवा ही तो करूंगी. तो उसको जज करना, उसको गाली देना तो गलत है, क्योंकि एक्चुअल में कस्टमर्स तो आप हैं, सवाल और उंगलियाँ तो आप पे उठनी चाहिए. तो आज के टाइम में ज़रूरी है कि हम अपने चाइल्ड, जो कि स्पेशली फीमेल गर्ल चाइल्ड है, उनको पढ़ाएं. और फैमिली प्लानिंग भी ज़रा सोच समझ के करें, एक या दो बच्चे काफ़ी हैं, एक बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ जाता है क्योंकि उसको हर चीज़ मिलने की आदत पड़ जाती है. तो मैक्सिमम दो ठीक है, उससे ज़्यादा तो आपके शरीर के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है और आपकी रिसोर्सेज के लिए भी, आपका उतना खर्चा आएगा ना. अच्छे स्कूल में डालोगे, ये थोड़ी 10 बच्चे पैदा कर दोगे और 10 को हाँ भाई सबको छठे पास करा दिया और सबको यू नो कहीं फिट कर दिया इधर उधर. आप तो फिर धरती पे बोझ हैं, फिर कोरोना वायरस आपको अपने आप भगवान के पास भेज देगा. चलिए आज के लिए तो ज्ञान काफ़ी है.